ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीसरी बात है, गहराई का अनुभव करने के लिए जो बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं, विचार सागर मंथन करो। तो विचार सागर मंथन करना आवश्यक है। हम मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स भी नोट करते हैं, लेकिन मुरली में से सारे दिन के अंदर हम उसका चिंतन कितना करते हैं। मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में तो रह जाती है, लेकिन सारे दिन के अंदर चिंतन करना अर्थात उसका स्वरूप बनना, तो वो कहाँ तक रहता है। और जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, तब तक उसका अनुभव भी कर नहीं सकते हैं। और इसलिए विचार सागर मंथन करना ये भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए रोज बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा तीन प्रकार का नशा चढ़ाते हैं। सबसे पहले है रूहानी नशा। रूहानी नशा अर्थात रोज बाबा हम बच्चों को कितने अलग अलग टाइटल देते हैं। हम कौन है, जिसको हम स्वमान कहते हैं, तो कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर भगवान है, क्या क्या टाइटल देते हैं। तो रूहानी नशा चढ़ाते हैं। दूसरा ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा अर्थात मैं किसकी संतान हूँ, दुनिया जिसको ढूंढ रही है, दुनिया जिसको पुकार रही है, दुनिया जिसे पाने के लिए भटक रही है, और वो मेरा बाप है, मैं उसकी संतान हूँ। तो दूसरा है ईश्वरीय नशा, मैं किसकी संतान हूँ। और दैवी नशा। दैवी नशा अर्थात रोज बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, तुम ही देवता थे, तुम्हें ही देवता बनना है। तो रोज हम बच्चों को दैवी नशा चढ़ाते हैं। तो ये तीन प्रकार के नशे रोज बाबा हम बच्चों को चढ़ाते रहते हैं। अब जिन्हों को ये तीन प्रकार के नशे चढ़ते हैं या उसकी धारणा होती है, तो वह आनंद की अनुभूति और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है। ये तीनों प्रकार के नशे जब धारणा में आए, तभी हम आनंद की अनुभूति या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं।